नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण एक्सरसाइज 7 शुरू की थी और हमने पहला क्वेश्चन करवा दिया था। अब बेटा शायद तक आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा। इजी से प्रश्न है। अब देखिए 7.1 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करवाने से पहले मैं फार्मूले फिर से रिपीट करवा देता हूँ। आपकी तीन सर्वसमीकरण थी, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीकरण थी आपकी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और तीसरी आपकी थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तीन ही आपकी सर्वसमीकरण थी। इनके अलावा कुछ फार्मूले जैसे कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/ साइन थीटा के, और सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/ कोस थीटा के, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, एक तो होता है बेटा 1/ कोट थीटा के, और एक किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा के। तो आपका कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। आपके कुछ ये फार्मूले हैं और बाकी मैं आपको पिछली क्लास में सारे करवा चुका हूँ, फिर भी जो प्रयोग होंगे वो मैं लिखता रहूँगा। आपकी पहली सर्वसमीका है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है, भी 1 के बराबर है। सेक स्केयर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, और कोसेक स्केयर थीटा बराबर है 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। अब बेटा आप देखिएगा इससे अगला, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/ साइन थीटा के। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/ कोस थीटा के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7.1 का मैं करवा चुका हूँ। अब आप और आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक सेम एक नंबर क्वेश्चन जैसा है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ तीसरा, आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर भी बेटा अगर दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। बट आप कोशिश करोगे तो मुश्किल नहीं है, ईजी सा है। पहला और दूसरा एक जैसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपको प्रूव करना है कोट स्क्वायर थीटा के। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके प्रूव करना है, कोट स्क्वायर थीटा के। देखिए तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। बेटा बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आपस में गुणा हो रहा है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ मैं, आप मुझे ये बताएं इनमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर यहाँ भी है और कोस स्क्वायर यहाँ भी है, तो मैंने यहाँ कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। अब कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर चला गया, यहाँ कितना बच गया, एक साइन बीच में किसका है, प्लस का। ये कोस स्क्वायर तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया भाई, कोट स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो आपका आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा आपका सेम है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गुणा। अब सर्वसमीका देखिएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
सर्वसमिका क्या है आपकी, एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर थीटा के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वेयर थीटा, क्योंकि बेटा आपका जो एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा है वो कोसेक स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ मैंने कोसेक स्क्वेयर थीटा लगाया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट सर्वसमिका कि कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में यहाँ कोसेक स्क्वेयर थीटा है, कोसेक देखिएगा किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, और यहाँ स्क्वेयर है तो यहाँ भी क्या आ गया, एक बटे में साइन स्क्वेयर थीटा। साई तक समझ में आ रहा होगा। अब कोसेक स्क्वेयर थीटा को एक से गुणा किया तो आपका आ गया कोस स्क्वेयर थीटा, सॉरी कोस स्क्वेयर थीटा है, कोस स्क्वेयर थीटा को एक से गुणा किया तो आपका आ गया कोस स्क्वेयर थीटा बटे में साइन स्क्वेयर थीटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट, और स्क्वेयर है तो इनका क्या हो गया, कोट स्क्वेयर थीटा। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है भाई, राइट हैंड साइड के बराबर है। देखिए कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू कोट स्क्वेयर थीटा बराबर सिद्ध करना है कोट स्क्वेयर थीटा के। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ इन दोनों में कोस स्क्वेयर कॉमन रखा तो आपका आ गया एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। अब सर्वसमिका के आधार पर एक प्लस कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वेयर थीटा के, तो आपका कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वेयर थीटा। अब कोसेक स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, एक बटे में साइन स्क्वेयर थीटा के। अब कोस स्क्वेयर थीटा को एक से गुणा किया आपका आ गया कोस स्क्वेयर थीटा और बटे में क्या आ गया, साइन स्क्वेयर थीटा। अब कोस स्क्वेयर थीटा बटे में साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वेयर थीटा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। अब प्रश्न संख्या देखिएगा चार, आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, और आगे आपको दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको प्रूव करना है एक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको प्रूव कितना करना है, एक। इसी प्रकार देखिएगा, जिस प्रकार हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना, यहाँ भी मैंने क्या लिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड। LHS आपका है बेटा सेक थीटा इंटू में वन माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखिए सॉल्व करता हूँ मैं, सेक थीटा बेटा सेक थीटा किसका उल्टा होता है, एक बटे कोस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ मैंने लिखा एक बटे में कोस थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, साइन इंटू में सेक, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा आपका फिर किसके इक्वल होता है, एक बटे कोस थीटा के। तो यहाँ सेक थीटा बराबर रखा मैंने एक बटे में कोस थीटा, साइन बीच में है प्लस का, टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। उसके बाद देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक से तो सेम ही आ गया, एक माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा इंटू, यहाँ मुझे बताएं बेटा एलसीएम कितना आ गया, कोस थीटा, कोस को कोस से भाग दिया एक, एक को एक से गुणा किया एक आ गया, साइन बीच में क्या है प्लस का, कोस को कोस से भाग दिया एक, एक को साइन से गुणा किया क्या आ गया साइन थीटा। तो आपका यहाँ आ गया एक माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा इंटू
एक प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब यहां देखिएगा सर्व समीकरण, कल मैंने कुछ फॉर्मूले आपको करवाए थे तो उसमें से ये था ना a माइनस बी इनटू में a प्लस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है भाई, ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर के। तो यहां एक की स्क्वेयर में लिख सकता हूं क्या, और साइन बीच में किसका है, माइनस का, और यहां क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, और बटे में कोस को कोस से गुणा किया तो आपका आ गया बेटा कोस स्क्वेयर थीटा। अब यहां एक की स्क्वेयर तो एक ही होता है, एक माइनस क्या आ गया साइन स्क्वेयर थीटा, बटे में क्या है भाई कोस स्क्वेयर थीटा। अब आप सरल समीकरण देखिएगा, पहली साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। अगर मैं साइन को इधर वाली साइड ले आऊं तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। एक माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, पहली सरल समीकरण देखिएगा किसके इक्वल होगा भाई कोस स्क्वेयर थीटा, और बटे में क्या है कोस स्क्वेयर थीटा। अगर इसको इससे मैंने भाग दिया तो आंसर कितना आ गया एक, मीन आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूं, आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है सेक थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये भी आप क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है एक। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लिया, और sec थीटा को मैंने लिखा एक बटे cos थीटा, क्योंकि sec थीटा किसके बराबर होता है, एक बटे में cos थीटा के बराबर होता है। फिर यहाँ देखिए एक माइनस साइन थीटा सेम है, यहाँ sec थीटा होता है एक बटे cos थीटा, और tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब बेटा इसको मैंने इससे गुणा किया तो सेम आ गया, बटे में आपका क्या है कोस थीटा, और यहाँ एलसीएम आ गया कोस थीटा, तो ऊपर कितना आ गया एक प्लस साइन थीटा। अब आगे यहाँ देखिए इनको आपस में गुणा किया तो यहाँ एक सर्व समीका लगती है a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस है बी स्केयर के बराबर, मतलब एक का स्केयर एक माइनस साइन स्केयर थीटा, तो एक का स्केयर एक माइनस साइन स्केयर थीटा आ गया। अब सरल समीका मैंने पहली लगाई कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक, साइन को इधर ले आऊंगा तो प्लस से क्या हो गया माइनस, तो कोस स्केयर थीटा किसके बराबर हो गया एक माइनस साइन स्केयर थीटा, तो इसकी जगह मैंने रख लिया कोस स्केयर थीटा, और कोस स्क्वेयर थीटा को कोस स्क्वेयर थीटा से भाग दिया तो आपका कितना आ गया एक। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, इसमें आपको फार्मूले अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अगर आपको इसकी फार्मूले सारे पता है तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लगातार आप प्रैक्टिस करना इनकी। अब जैसे कि इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कोसेक स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर है प्लस में सेक स्क्वेयर थीटा बराबर है आपका कोसेक स्क्वेयर थीटा इंटू में सेक स्क्वेयर थीटा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस सेक स्क्वेयर थीटा, और बराबर आपको किसके बराबर प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया, और आपका बेटा एल एच एस यहाँ है
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक किसके इक्वल होता है, एक बटे में साइन, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या आ गया एक बटे में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो बेटा यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। साइन बीच में आपका प्लस है और सेक किसके बराबर होता है एक बटे में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आप देखिएगा एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम कितना आया बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको मैंने इनसे भाग दिया तो साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बच गया कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को एक से गुणा किया आपका आ गया कोस स्क्वायर थीटा, साइन बीच में है प्लस का, कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से भाग दिया एक, एक को साइन स्क्वायर से गुणा किया कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए आप मुझे बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, सरल समीकरण का प्रयोग किया तो यहां मैंने लिखा एक बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यही है ना भाई। अब सीधी सी बात है बेटा एक बटे में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में एक बटे में कोस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है ना, क्योंकि ये तो बटे में एक के मैंने थोड़ा अलग लिख लिया। अब देखो एक बटे में साइन थीटा, एक बटे साइन किसके इक्वल होता है कोसेक के इक्वल होता है, और यहां स्क्वायर है तो क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में एक बटे कोस किसके इक्वल होता है भाई सेक के इक्वल होता है, तो यहां आ गया स्क्वायर है तो यहां भी क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर आ गई भाई राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक किसके इक्वल होता है भाई एक बटे साइन के इक्वल होता है, स्क्वायर है तो ये भी क्या हो गया एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन बीच में है प्लस का, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है एक बटे कोस के तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। इनका बेटा मैंने एलसीएम लिया तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को इससे भाग दिया कोस स्क्वायर बच गया, कोस स्क्वायर को एक से गुणा किया कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा, साइन बीच में किसका है प्लस का, इसको इससे भाग दिया तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को एक से गुणा किया क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, एक बटे में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, एक बटे में साइन स्क्वायर एक बटे में कोस स्क्वायर, एक बटे में साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक बटे में कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपकी बेटा क्या है राइट हैंड साइड। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिएगा इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इजी एक्सरसाइज है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा कि अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा, अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा बराबर है आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का
टेन थीटा। आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा बराबर किसके है बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं यहां लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा, इस टोटल का अंडर रूट है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब यहां आपको ये सोल्व करना है तो यहां आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसके हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे तो बेटा आपको भिन्न क्या दी गई है, एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा। इस भिन्न के हर का रैशनलाइजेशन बताता हूं भाई, इस भिन्न के हर का साइन चेंज करके, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज करके एक बार गुणा करना है एक बार भाग देना है। तो यहां आ गया एक माइनस साइन थीटा, एक बार तो गुणा कर दिया और एक बार क्या कर दिया बेटा भाग कर दिया। इसका क्या करने पर भाई, परिमेयकरण करने पर या रैशनलाइजेशन करने पर। सही तक समझ में आ गया होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया गया है, रैशनलाइजेशन किया तो यहां एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा है, मींस ये आपकी भिन्न है और भिन्न का ये क्या है हर है, हर में बीच वाला साइन चेंज करके एक बार मैंने गुणा किया और एक बार क्या कर दिया भाई भाग कर दिया। तो अब आप देखिएगा बेटा, यहां देखिए एक माइनस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, मतलब कि एक माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया होगा। और बटे में ए, यहां देखो एक प्लस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, मींस यहां सर्व समीका लग रही है आपकी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ए स्केयर ए कितना है एक, तो यहां आ गया एक की स्केयर माइनस, बेटा यहां बी आपका साइन है तो आ गया साइन स्केयर थीटा, और इन सब का क्या चल रहा है अंडर रूट। अब आप देखिएगा एक माइनस साइन थीटा का स्केयर है और यहां एक का स्केयर तो एक ही होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक माइनस साइन स्केयर थीटा, और बेटा इसका क्या चल रहा है अंडर रूट। अब देखिएगा अगर मैं इस रूट को हटाऊं, रूट का मतलब तो यही होता ना कि पावर एक बटा दो आती है, पावर कितनी होती है एक बटा दो। फिर उससे पहले मैं थोड़ा सा सोल्व और कर लेता हूं कि एक माइनस साइन थीटा की होल स्केयर बटे में एक माइनस साइन स्केयर थीटा की बात करूं। आप देखिएगा सरल समीका फर्स्ट आपकी क्या बोल रही है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, तो कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा एक माइनस साइन स्केयर थीटा के, और इन सब का क्या है अंडर रूट। अब मैं रूट को हटाऊंगा तो दोनों की स्केयर क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी, तो आपका बचेगा एक माइनस साइन थीटा और बटे में क्या आ गया कोस थीटा। रूट को हटा दिया क्योंकि रूट का मतलब पावर एक बटा ही दो होती है ना, तो पावर एक बटा दो होती है तो ये भी स्केयर गया और ये भी स्केयर गया, आपका यहां आ गया एक माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब बेटा देखिए एक माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, ऊपर लिख रहा हूं एक बटे में कोस थीटा, साइन बीच में किसका है माइनस का, और यहां आ गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा।
अब आप मुझे बताएं एक बटे कोस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और साइन बटे कोस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और यही बेटा आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई भाई, राइट हैंड साइड के। एक बार फिर से थोड़ा समझाता हूं, देखो अंडर रूट एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा है, और आपको प्रूव करना है कि ये है जो sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर है। मैंने यहां लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है एक माइनस साइन थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा। अब मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया, परिमेयकरण किया, तो इस भिन्नी है ना, ये ऊपर वाला क्या होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर, परिमेयकरण आप जानते हो। इसके बीच वाले का साइन चेंज करके, जो भी इसका साइन दिया गया है इसका साइन चेंज करके एक बार मैंने गुणा किया और एक बार क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो आपका यहां आ गया एक माइनस साइन थीटा एक प्लस साइन थीटा, और गुणा किससे किया, एक माइनस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा। अब यहां देखिए एक माइनस साइन थीटा को एक माइनस साइन थीटा से गुणा किया तो इसकी क्या आ गई भाई, स्केयर आ गई। और यहां ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो आपका आ गया ए स्केयर माइनस ए बी स्केयर। तो बेटा यहां ए स्केयर आपका कितना है, एक, एक की स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। अब एक माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सर्वसमिका लग गई आपकी, एक माइनस साइन, इस साइन को इधर ले आऊंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा के। तो यहां आ गया आपका कोस स्केयर थीटा। अब इस रूट को मैं सोल्व करूंगा इसका स्केयर करने पर, रूट का मतलब पावर एक बटा दो होती है ना, तो ये भी टू कैंसिल, ये भी टू, आपका ये स्केयर दोनों ही कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और इनको मैंने अलग किया, एक आ गया आपका एक बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब बेटा एक बटे में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। देखिएगा इतने क्वेश्चन आप कीजिएगा और प्रश्न नंबर दो भी आप अच्छे से कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो बेटा आप। थैंक यू, आज इतना ही करवाएंगे, नेक्स्ट कल करेंगे, और आप अच्छे से नोट्स बनाना, कॉपी में अपना काम भी करना। थैंक यू।